वेलकम टू अस एमजोलॉजस्ट यूट्यूब चैनल तो इस पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया ग्लाइकॉलिस क्या होता है पेर करेपसाइकल और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में क्लियर करूंगा तो आपने इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना है तो चले शुरू करते हैं द कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइट्रोकॉन्ड्रिया इसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है ये कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ मालिक्यूल्स होता है ये क्या होता है ये एम्बेड होता है अटैच होता है एंड टू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइट्रोक्रिया के साथ ही अटैच होता है ये मुख्तलिफ किस्म के मालिक्यूल्स इसे क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज कहते हैं ये क्या काम करते हैं ये मतलब इलेक्ट्रॉन uh, का ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं ये डिफरेंट मालिक्यूल्स द फोल्डिंग ऑफ द इनर मेम्ब्रेन फॉर क्रिस्टे ये जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ये इसने क्रिस्ट शक्ल बनाए है प्रोस्थेटिक ग्रुप और टाइटली बाउंड टू अ मालिक्यूल ऑफ प्रोटीन और ये टाइटली अटैच होता है बाउंड होते हैं विद प्रोटीन मालिक्यूल द प्रोस्थेटिक ग्रुप और नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है ये नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है दीज आर एसेंशियल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सर्टन एंजाइम ये क्यों होता है क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आ, कुछ एंजाइम के लिए ठीक है दीज प्रोस्टेटिक ग्रुप्स अल्टरनेट बिटवीन रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तो ये क्या काम करते हैं ये एज अल्टरनेट काम करते हैं ये मुख्तलिफ़ ग्रुप्स आ, ये मतलब दरमियान में या तो ये रिडक्शन और ऑक्सीडाइज का स्टेट में ये क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये आ, काम करता है ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज ये प्रोस्थेटिक ग्रुप्स दे एक्सेप्ट एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट और डोनेटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एन ए डी एच टू एफ एम एन ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन और रिमूट फ्रॉम द फूड ड्यूरिंग ग्लोकॉलिस एंड द करपसाइकल्स ये क्या होता है ये मुख्तलि कस्म के इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं मतलब uh, हासिल करते हैं ये फ्राम खुराक khura, ठीक है एंड की हेल्प से दीज इलेक्ट्रॉन फॉर्म एन ये बनाता है ये इलेक्ट्रॉन एन ए डी एच मालिक्यूल ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू फ्ले प्रोटीन और ये फ्लो प्रोटीन uh, में ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन इज द फर्स्ट मालिक्यूल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफोर्टर का सबसे पहला मालिक्यूल क्या होता है फ्ले प्रोटीन द फ्ले प्रोटीन हैज हैज्रोस्थेटिक ग्रुप मोनो न्यूक्लियोटाइड जिसे मोनो न्यूक्लियोटाइड जिसे एफ एम एन बी कहते हैं ठीक है थीके? इस तरह दूसरा हमारे पास आता है एफ एम एन टू आयरन और सल्फर द एफ एम एन पास इज इलेक्ट्रॉन टू एन आयरन सल्फर प्रोटीन इट एज वन ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोटीन इन विच बोथ आयरन एंड सल्फर टाइटली बॉन्ड ये वो uh, क्या होता है ये वो मालिक्यूल होता है और फैमिली ऑफ प्रोटीन होता है इसके साथ क्या होता है सल्फर और आयरन जो है ये दोनों अटैच होता है इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन होता है द एफ एम रिटर्न टू ऑक्सीडाइज फॉर्म मतलब ये क्या होता है ये रिडक्शन होता है और ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होता है अगर हम बात करें आयरन सल्फर टू यूबिकिन जिसे क्यू में भी रिप्रेजेंट होता है द आयरन प्रोटीन देन पॉसिस द इलेक्ट्रॉन टू बी कम कंपाउंड यूबिक्विन में ये क्या होता है ये कन्वर्ट होता है ये द आयरन प्रोटीन ये पास होता है इलेक्ट्रॉन टू अ कंपाउंड ऑफ यूबिक्विन में ये कन्वर्ट करता है ये आयरन और सल्फर दिस इलेक्ट्रॉन कैरी इज द ओनली मेंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन दैट इज़ नॉट अ प्रोटीन ये वाहिद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है ये प्रोटीन नहीं होता है अ मालिक्यूल ऑफ एटीपी इज पी ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ए प्रोड्यूस होता है इस uh, मतलब ड्यूरिंग दिस सेंथिसाइज फोर नंबर हमारे पास आता है यू टू साइटोक्रोम्स ये साइटोक्रोम में चेंज होता है मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन केयर बिटवीन क्यू एंड ऑक्सीजन और प्रोटीन इस कार्ड साइटोक्रोम ये मोस्टली क्या होता है जो भी आ, बाकी रहते हैं इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये क्यू एंड ऑक्सीजन में क्या होता है ये प्रोटीन होते हैं तो इसे क्या कहते हैं इसे साइटोक्रोम्स कहते हैं

मुख्तलिफ़ के प्रोटीन मौजूद होते हैं इसके साथ मतलब ही आयरन ग्रुप में मौजूद होता है एग्जाम्पल दीज आर साइटोक्रोम बी होता है साइटोक्रोम सी होता है साइटोक्रोम एंड साइटोक्रोम ए थ्री ये मख्तल ऑफ साइटोक्रोम मौजूद होता है द लास्ट साइटोक्रोम पास एट इलेक्ट्रॉन टू आक्सीजन ऑक्सीजन में ये क्या वो पास आउट होता है इट इज़ आल्सो पिक अप पेयर ऑफ हाइड्रोजन आयस फ्राम एक मीडियम टू फॉर्म वाटर मतलब ये क्या होता है ये हाइड्रोजन uh, एटम्स और आयंस क्या होता है ये पिकअप करते हैं और ये इक्वेस्ट मिनट में ये वाटर बनाते हैं टू मारिक्यूल ऑफ़ ए टी पी और प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू दाइटो साइटोक्रोम टू ए टी पी मारिक्यूल क्या होता है प्रोड्यूस होता है इस प्रोसेस में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एफ ए डी एच टू एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एफ ए डी एच टू क्या होता है एज अल्टरनेट यूज होता है एज अ इलेक्ट्रॉन एन अदर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है पर ट्रांसपोर्ट चेंज एज एफ एच टू एट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रेपसाइकल में ये प्रोड्यूस होता है एफ ए डी एच टू एट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज एट द लोअर एनर्जी लेवल दैन दैन देट ऑफ एन ए डी एच मतलब ये क्या होता है ये लोअर एनर्जी uh, होता है एज कम्पेयर टू एफ ए डी एच ये एन ए डी एच मतलब लो लेवल इनर्जी क्या होता है ये uh, यूज होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन दियर पार द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन प्रोवाइड अबाउट वन थर्ड लेस इनर्जी फ्रॉम एफ टू तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो बहुत कम एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू क्रिपसाइकल्स द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मेक्स नो ए टी पी डार्क लिए कोई भी ए टी पी नहीं बनाता है इट्स फंक्शन एज टू पास इलेक्ट्रॉन फ्राम फूड टू ऑक्सीजन ये मुख्तु कस्म के मालिक्यूल क्या होते हैं पास आउट करते हैं एड ब्रिक्स अ लार्ज फ्री मालिक्यूल एंड टू अज ऑफ स्माल स्टेप देट रिलीज एनर्जी एंड मैनेजेबल अमाउंट में इनर्जी रिलीज करता है माइट्रोकियाज ए टी पी ड्यूरिंग द मेकेजम्ड कीमी ऑसमोसिस तो ये वो प्रास्ट होता है जिसपे ए टी पी प्रोड्यूस होता है और इसे कीमी ऑसमोस होता है तो मेनली इन सब बातों का मकसद ये होता है कि ग्लूकॉइज से एनर्जी प्रोड्यूस होता है क्रेपसाइकल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सिर्फ ये काम होता है कि ये इस डायरेक्टली कोई भी एटीपी प्रोड्यूस नहीं होता है ये सिर्फ क्या काम करता है ये इसका फंक्शन ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है आ, मतलब ये पास आउट करता है इलेक्ट्रॉन फ्राम फूड टू ऑक्सीजन और मुख्तलिफ़ के आ, मतलब मालिक्यूल्स को ब्रेक करना लार्ज जो भी लार्ज है इससे फ्री एनर्जी क्या होता है इससे मतलब स्मॉल स्टेप में ये एनर्जी रिलीज करते है और मैनेज करते हैं ये सब तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा द एनर्जी स्कोर फॉर एरोबिक रिस्पायरेशन बैलेंस शीट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ इस टॉपिक डिस्कस करूँगी ये आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो तो को लाइक करेंगे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय